अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आप सबके लिए बहुत दुआएं, अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियां करें, आप भी लोगों के लिए आसानियां करें। तो जनाब, आज हम क्या बना रहे हैं? आज रमज़ान आ रहा है तो हमने सोचा कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कि रमज़ान में हर घर में तकरीबन बनती है, पराठे। अब पराठों में और इन पराठों में क्या फ़र्क है? बात तो ये है, इन पराठों में ये फ़र्क है कि आप एक तो इनको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, चाहे तो पूरे आपकी हिम्मत है बना के आप पूरे महीने के फ्रीज़ कर लें, जितने बनाना चाहते हैं आप बना के फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने का तरीका भी हम बताएंगे। और दूसरा ये कि ये बहुत लाइट वेटेड हैं, जहाँ एक खाता है इंसान यूजली, इसको आराम से आप दो खा सकते हैं। बहुत क्रिस्पी हैं और बहुत टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। जो हम मार्केट से लाते हैं फ्रोज़न पराठे, वो तो ये तो बहुत कमाल होते हैं। आप खाएंगे तो फिर आप खुद ही इसका फ़ैसला कर लेंगे। तो ये फ़र्क है इन पराठों में और मार्केट के पराठों में, या उन पराठों में जो कि आम तौर पर हर घर में बनते हैं। तो जनाब, इसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और फिर इसका आगे प्रोसेस बताती हूँ। बहुत ईजी हैं और इसके वो जो होते हैं ना, बलदार पराठा, लच्छेदार पराठा, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। बहुत सारे बल आ जाएंगे, बहुत सारे लच्छे लुच्छे भी आ जाएंगे, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो ये मैं सब आपको बताती हूँ, लेट्स स्टार्ट। जी, इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है आटा। और आटा कुछ लोग इसको मैदे में बनाते हैं, लेकिन बेहतर ये बनता है सफ़ेद आटे में। मैदा नहीं लेना, और दूसरा वाला जो रेगुलर जिसको हम लोग ब्राउन वाला या चक्की का आटा, वो उसके भी मज़े के नहीं बनेंगे। ये रिफाइंड वाला जो होता है सफ़ेद वाला आटा, उसके बेस्ट बनेंगे। तो बेहतर है कि आप ये वाला लें। उसके अलावा इसमें आपको लग रहा होगा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ये वो वाले इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सब घर में मौजूद होते हैं। कोई इसमें कोई ऐसा स्पेशल वाला नहीं है, ये सब आपको घर में मिलेंगे। तो जनाब, ये है इसमें बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, सॉल्ट 2 टीस्पून, शुगर है ये आप पिसी हुई ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना आपको ज़रा इसको भूनने में मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास है 2 टेबलस्पून, दही 4 टेबलस्पून, ड्राई मिल्क पाउडर 4 टेबलस्पून, और सूजी ये ऑप्शनल है, ये 4 टेबलस्पून है, ये ऑप्शनल है। आपके पास अगर डाल लें तो फिर ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर डालें तो ज़्यादा अच्छी बात है। 4 टेबलस्पून हमारे पास ऑयल है, आप इसकी जगह घी डाल लें, चाहे देसी घी डाल लें, जो आपको पसंद है ना वो इसकी जगह आप डाल सकते हैं। पानी डालेंगे जितने ही हमें इसकी डो बनाने में ज़रूरत पड़ेगी, उतने हम इसमें एज रिक्वायर्ड पानी डालेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो हाथ धो लें, गंदे काम नहीं करना है। सॉल्ट 2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, पिसी हुई चीनी है 2 टेबलस्पून। ये बिल्कुल मीठे, ऐसे मीठे नहीं बनेंगे कि आपको लगे कि पता नहीं इसमें चीनी डल रही है तो मीठे होंगे, बहुत अच्छे वाला टेस्ट होएगा, फिक्र नहीं करनी। सूजी और ड्राई मिल्क पाउडर 4 टेबलस्पून, सूजी भी 4 टेबलस्पून, दही है 4 टेबलस्पून, इसके साथ साथ ऑयल, चल गई, चाहे घी डाल लें, मर्जी आपकी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बस इसकी ना सॉफ्ट सी एक डो बनानी है, वही आटा जैसे हम लोग घर में गूंथते हैं आटा, वैसे ही हमने बनाना है। ये जब आप एक दफ़ा बना के खिलाएंगे ना, तो फिर इसकी आपको फरमाइशें आया करेंगी। ये आटा हमने गूंद लिया, इसको गूंद के अगर इसको थोड़ा रेस्ट दे लें, कोई 10-15-20 मिनट इसको रेस्ट दे लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अभी हमें जल्दी है, हमने डिनर भी बनाना है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही बनाने लगे हैं। सबसे पहले तो हम साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि हम इधर ही बेलेंगे, थोड़ी ज़्यादा जगह हमें चाहिए। अच्छा,
साइज की रोटी है पराठा खाता हूँ तो मैं इस साइज के इसका पेड़ा बनाऊंगा। पता नहीं आप उसको पेड़े को अपनी जुबान में क्या कहते होंगे, बस इसके बड़े बड़े बना लें जितने भी, क्योंकि हमने इनको काट लेना है। तो काट के ये जो हमारी अपनी पसंद है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब का इसको साइज दे लेंगे। अभी बस मैं इसके बड़े बड़े बॉल्स बना रही हूँ। सारे आटे के मैं बना लूंगी। ले जनाब, ये हमने बड़े बड़े इसके बॉल्स बना लिए। कितने हैं? 3, 4, 5, 6। अब ये 6 पराठे हरगिज़ नहीं बनने, ये ना समझिएगा कि इसके 6 पराठे बने हैं 1 kg आटे के, इसके ज़्यादा बनेंगे। वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसके साथ मेरे पास है ये आटा, ऑयल, वैसे इसकी जगह घी इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी जिन्होंने खाना है वो ज़रा हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जिनके लिए मैं बना रही हूँ, तो वो ऑयल में खा लेते हैं पता नहीं कैसे, लेकिन बनाने घी में है, हम तो घी में खाएंगे। ब्रश है और ये कटर है। ये नहीं है आपके पास तो कोई टेंशन नहीं, इसकी जगह छुरी इस्तेमाल करें। ये नहीं है आपके पास तो कोई टेंशन नहीं, इसकी जगह चम्मच इस्तेमाल करें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हमने फर्स्ट वाला लिया, बस इसकी टेक्निक देख लें जो असल चीज है ना, और बेलन की तरह मिल गया, मैं यहाँ मेहमान हूँ जरा। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ ताकि उसकी जगह बन जाए। नहीं जी, ये 2 हमने बेल लिया सिंपल रोटियां। अब हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली हमने बेली थी इसके ऊपर ये अज्यूम कर लें कि ये घी ऑयल नहीं। वैसे मर्जी आपकी, कुछ लोग ऑयल ही प्रेफर करते हैं, तो अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो बना लें, हमारे लिए तो कौड़ा फूटी है। ऑयल लगाया, सॉरी घी लगाया, उसके ऊपर हल्का सा आटा छिड़का, और ये जो हमने दूसरी रोटी बेली थी ये जाएगी इसके ऊपर। ठीक हो गया। अब हम लेंगे ये 3rd वाली, सेम प्रोसेस करना है, इसको बेल लेना है। ये हो गया लास्ट वाला। अब क्योंकि रेस्ट आ गया था थोड़ा सा आटे को, तो अब जरा गोल गोल बनने लग गई है। बस इस पे भी उसी तरह से ख्याल आती घी लगाया जो कि असल में ऑयल है, और ये मैडम साहिबा ऊपर। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ले आएंगे इसको इधर, लेकिन इससे पहले यहाँ या तो आप लगा लें अच्छी तरह से आटा स्प्रिंकल कर लें, लेकिन बेहतर है कि रिस्क ना ही लें, घी लगा लें।
चुन्ना मुन्ना वाला बेलन लिया और इसको बेल लिया। अच्छा मैं सिंध में आई हूँ, सिंध की रोटियां देख के हैरान हो गई कि छोटी छोटी सी रोटियां। हम लोग इतनी रोटियां हमारे घरों में बनने लगे तो हम तो शाम तक रोटियां ही बनाते हैं आराम से, ऐसे की रोटियां जो है ना हमारे बंदे चार पांच तो खा ही ले। इसको हमने बस बेल के थोड़ा और बड़ा कर लिया, जॉइंट रोटी बना ली। ठीक हो गया। अब अगर ये नहीं है तो छुरी है ना, छुरी जिंदाबाद। ठीक से नजर आ रहा है? ओके। ये इसके पीछे भी एक बंदा ने बंदी खड़ी है, मैं उससे पूछ रही हूँ कि ठीक से नजर आ रहा है। ये स्ट्रिप्स इसकी ये काट लेनी है ऐसे लंबी लंबी। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है ये तो। मुझे लगता है कोई अनाड़ी भी बना सकता है इस तरह से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने पहले जो रोटी बेली है वो बहुत गोल मटोल हो, इसी तरह भी चलेगी। जरूरी नहीं है कि अभी आपने जो बेली है वो भी बड़ी गोल मटोल परफेक्ट हो, किसी तरह भी चलेगी। और ये कटिंग करना तो कोई काम नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता। ठीक है, हो गई ना। अब ये करना है, अगर तो ये बड़ी वाली है हमारे पास, इसको हमने सिंगल को ही फोल्ड कर लेना। अगर छोटी वाली है साइड पे, ये इसकी एक का तो अगर छोटा पराठा आपका बनता है तो एक का बन जाएगा, हमारा तो छोटा हरगिज नहीं होता, तो मैं ये एक के ऊपर एक और रखूंगी और इसको बस ऐसे फोल्ड कर लिया। अभी भी पराठे का साइज छोटा है तो ये एक और इसके ऊपर रखी। आपके पराठे का साइज या रोटी का साइज होता है उस हिसाब से, मेरे ख्याल में ही सारा ही जाएगा। अभी ये हो गया। और अभी इसमें जरा चेक करें कि वो जो बल होते हैं वो कितने सारे हैं, बाद में मैं जरा क्लोजअप में भी दिखाऊंगी। ये हमारा एक पराठा रेडी हो गया। इसी तरह जैसे कि एक लंबी वाली है, बड़ी वाली सेंटर वाली, इसका तो एक ही हो जाएगा। बस इसको एक साइड से पकड़े यूं, बस ऐसे 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 गोल गोल घुमाई जाना, और कुछ ही नहीं करना। यार और ये देखते हैं कितना हसीन बना, कितना खूबसूरत, कितने सारे बलशाली। ये मैं अब आपको क्लोजअप में दिखा रही हूँ, ये देख लें, सिंपली ऐसे पकड़ा और गोल 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 बस घुमा दिया। ये देख लें बहुत सारे इसमें बल है। ये सारे हमने बेल लिए हैं 1 kg में तकरीबन, ये यार तकरीबन नहीं भाई पूरी तरह से ये 11 पराठे बन गया। अब हम इनको बेलेंगे। ये पराठों को फ्रीज हमने ऐसे करना है, बड़ी हमने एक प्लेट ली है, उसमें हमने ये प्लास्टिक शीट रखी नीचे, ऊपर ही हमने अपना पराठा बेल के रखा। इसके ऊपर फिर से एक हम रखेंगे शीट,
ये रख दी, इसके ऊपर हम दूसरा पराठा बेल के रख देंगे। इसी तरह हम सारे पराठे जो है ना वो अपने बेल के, और इस तरह से हम इसको उठा के बस फ्रीज कर देंगे। जब हमने बनाने हैं बस इसको निकाला, जितने बनाने हैं उतने निकाले और इसको पका लिया या फ्राई कर लिया। ये पराठे हमने सारे बेल लिए हैं, एक रह गए, ये भी हम फौरी तौर पे बनाने वाले हैं। ये देखें जी, ये जो है एक एक चीज के साथ इसी तरह ये हमने सारे बना के रख लिए हैं। ऐसे ही हम उठा के इनको फ्रीज कर लेंगे, और जब हमने बनाना होगा उसी वक्त हमने निकालना है। निकाल के इसको डिफ्रॉस्ट बिल्कुल नहीं करना, बस निकाल के फौरी तौर पे ऐसे ही उठाना है। इसमें ऐसे उठाया, पराठा निकाला और सीधा तल के, ये इसका बस सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये बनाया, आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगे, ट्राई करें।